सोनिया गांधी जी ने तो आह्वान किया है देश को महंगाई से मुक्त करने के लिए, तो एक ही इलाज है कि देश की जनता को जिस तरह गुमराह किया 5 विधानसभा चुनाव के पहले, जिससे डीजल पेट्रोल के भाव कम किए और 3 महीने तक तो कोई पैसा नहीं बढ़ाया, और चुनाव के तुरंत बाद राहुल जी ने कहा था चुनाव के तुरंत बाद जो कहा उसी के अनुसार पैसे बढ़ रहे हैं। देश की जनता के धोखा है, जिस तरह श्रीलंका की जनता ने किया है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों की इस्तीफे हुए हैं। एक दिन आएगा, कुछ इंतजार करें कि एक दिन आएगा जब मोदी जी के खिलाफ पूरा देश विद्रोह कर बैठे। क्या इस तरीके के धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे महंगाई के खिलाफ? निश्चित रूप से जारी रहेंगे महंगाई के खिलाफ, और निश्चित रूप से जनता उठ खड़ी होगी। और मोदी जी ने जो धोखा दिया पार्लियामेंट 5 राज्यों के टाइम, एक पैसा भी नहीं बढ़ा, और अब रोज सुबह पैसा 80 पैसा 85 पैसा रोज बढ़ रहे हैं 14 दिन से, तो देश की जनता के साथ धोखा है। मंत्री जी, एक आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि 8-10 बीमारियां ऐसी है कैंसर जैसी जिनकी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। सारी दवाइयां हैं हमारे पास, सारी दवाइयां अवेलेबल कराएंगे। कोई भी दवाई, किसी भी रोग की दवाई लेने के लिए किसी भी पेशेंट को अस्पताल के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सारी डॉक्टर्स व्यवस्था करेंगे, सरकारी खर्चे पे करेंगे। हमने 1 अप्रैल से जो किया कि निरोगी राजस्थान का जो नारा दिया, निरोगी निःशुल्क राजस्थान का नारा दिया, उसको किसी भी रोगी को 1 पैसे की दवाई भी खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ सागर चौधरी, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।